सो ही गाइस, वेलकम बैक टू द माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राफिक डिजाइनर के लिए भी और यूट्यूब चैनल जिसने क्रिएट करा हुआ उसके लिए भी। और आज की वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ कि आप यूट्यूब थंबनेल कैसे बनाएंगे और कितना अच्छा बना सकते हैं, वो भी कंप्यूटर पर। तो बस वीडियो को एंड तक देखना और पसंद आया तो लाइक करना। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सिखाते हैं आपको कि यूट्यूब थंबनेल आप कैसे बनाएंगे और एडोब इलस्ट्रेटर पर। सो मैं सोच रहा था कि सिखा दिया जाए आपको, वैसे डिज़ाइन बहुत सिखा दी है, लोगो डिज़ाइन बहुत सिखा दी है, तो कुछ ऐसी चीज़ सिखाई जाए जिससे आपको थोड़ा फ़ायदा हो और वो आप बनाएं। जिसका चैनल होगा वो तो लाजमी बनाएगा, वो सीखेगा भी। तो बस यही कहना चाहता हूँ और पूरा ट्यूटोरियल आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरीके से उसके अंदर टैग्स लगा सकते हैं और किस तरह से बैकग्राउंड लगा सकते हैं, कलर कैसे कर सकते हैं, सब कुछ उसके अंदर समझाने वाला हूँ। तो बस वीडियो में एंड तक बने रहना और वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आ जाएँ फिर कंप्यूटर स्क्रीन पर, आपको सब कुछ सिखाते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट की वीडियो करते हैं स्टार्ट। हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और आज आपको सिखाने वाले हैं यूट्यूब थंबनेल कैसे बनाएंगे आप सब लोग अपनी वीडियो के लिए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैं अपने एआई सॉफ्टवेयर पर आ चुका हूँ। जैसे कि आपको पता ही होगा कि एआई है क्या, अगर नहीं पता तो आपको मैं बता दूँ कि एक ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर डिज़ाइन बना सकते हैं और जो डिज़ाइन आप बनाएंगे वो आप सेल्स भी कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइस, आ जाएं आपको थंबनेल बनाना सिखाता हूँ, सारी बातें छोड़ते हैं, ठीक है। ये एआई सॉफ्टवेयर है, ठीक है। सो यहाँ पर आपको सबसे पहले रेक्टेंगल टूल मिलेगी, ये आपका बैकग्राउंड है। साइज सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ क्या है। यहाँ से फाइल करना जाएंगे आप, न्यू पे जाएंगे और न्यू पे जाने के बाद आपके पास कुछ ऐसा टेम्पलेट आएगा न्यू डॉक्यूमेंट के नाम से। यहाँ पर आप नाम दे सकते हैं और यहाँ पर आप जिस चीज़ के लिए बना रहे हैं आप वहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँ कि नहीं करें, कस्टम रहने दें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो नंबर है ये आपको बताया जा रहा है कि आप कितने आर्टबोर्ड बनाना चाह रहे हैं। मैंने सिंपल एक सिलेक्ट करा हुआ क्योंकि मुझे एक चाहिए। यहाँ पर साइज आ जाता है, कस्टम चाहिए, लेटर चाहिए, जो चाहिए आपको वो सिलेक्ट कर सकते हैं। बट आप लोग को यूट्यूब के लिए बनाना है तो आप यहाँ पर सिंपल यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पर इसको बैक स्पेस दबा के क्या करें 1280 180 और 720, ये यूट्यूब का थंबनेल का साइज है। सिंपल मैं यहाँ पर अगर ओके कर दूंगा तो मेरे पास एक और यहाँ पर डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा, जैसे ये हुआ है वैसे यही हो जाएगा। अब आप बोलोगे ये बड़ा है, ये बड़ा इसलिए है क्योंकि अगर मैं यहाँ पर जाके कंट्रोल जीरो क्लिक करूँगा तो ये बिल्कुल फेस पे आ जाएगा, ठीक है। सो इसी तरीके से आप लोग ये भी देख सकते हो और ये भी देख सकते हो। सो अब मैं इन दोनों में से एक को हटा देता हूँ सिंपल, ठीक है। सो मैंने एक को हटा दिया, अब मैं आपको सिखाता हूँ डिज़ाइन बनाना, ठीक है। तो आप सबसे पहले इसके अंदर बैकग्राउंड लगाएंगे सबसे पहले, तो अगर आप बैकग्राउंड नहीं लगाएंगे तो ये वाइट आ रहा होगा या फिर बैकग्राउंड जिसका रिमूव आ रहा होगा। तो बैकग्राउंड लगाने के लिए मैंने सिंपल यहाँ से रेक्टेंगल टूल ले लिया। लेने के बाद मैंने सिंपल यहाँ पर कुछ इस तरीके से पूरे आर्ट बोर्ड के ऊपर यहाँ पर साइज का एक बैकग्राउंड बना लिया, ठीक है। अब बनाने के बाद यहाँ पर इसके ऊपर व्हाइट कलर आ रहा है और स्ट्रोक आप देख सकते हैं, यहाँ पर जेड क्लिक करा मैंने ताकि जूम टूल आ जाए और मैं इसको इस तरह से करूँगा तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर स्ट्रोक भी आ रहा है, लेकिन हमें स्ट्रोक नहीं चाहिए। सो स्ट्रोक नहीं चाहिए तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं स्ट्रोक के ऊपर, यहाँ से नन कर सकते हैं, ओके। इसके बाद वापसी आप फिल पे चले जाएँ, उसके बाद क्या करेंगे सिंपल आप वी क्लिक करें, वी क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वी क्लिक करती है, अभी आप यहाँ पर हैं तो वी क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मूव टूल पे आ जाएंगे। देखिए सिंपल मैंने वी क्लिक करा तो मैं मूव टूल पे आ गया हूँ। उसके बाद मैं सिंपल आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, आपने यहाँ पर ये बना लिया, ठीक है। अब उसके बाद आप चाह रहे हैं कि इसके अंदर मैं कलर कोई और देना चाह रहा हूँ, कलर चेंज करना चाह रहा हूँ, ठीक है। सो कलर चेंज करने के लिए सिंपल आप यहाँ से कलर पैनल के अंदर जा सकते हैं, लेकिन आपको सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ से कलर देना चाहें तो दे सकते हैं एंड में, ठीक है, एडजस्ट करने के लिए। सो यहाँ पर आप डबल क्लिक करके यहाँ से कलर दे सकते हैं, जैसे बहुत आसान कलर है यहाँ पर, ठीक है। बहुत सारे कलर हैं यहाँ पर, आप जो दिल चाहे वो आप दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं ये दे देता हूँ और यहाँ पर मैं ओके कर देता हूँ तो मेरा ये कलर आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद अब आपका इसका कोई काम नहीं है, इसको हिलाना जुलाना नहीं है, तो आप इसको सिंपल लॉक कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट करने जाएँ, लॉक पे जाएँ और यहाँ पर सिलेक्शन कंट्रोल टू भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, उसके बाद ये हो गया हमारा लॉक, अब मैं इसको हिला भी नहीं सकता, ठीक है। एक तरीका और बता देता हूँ लॉक करने का, तो सिंपल कंट्रोल जेड क्लिक करता हूँ, ये वापसी अंडू हो जाएगा और यहाँ पर जाते हैं लेयर वाले पैनल, यहाँ पर ये रहा लेयर पैनल, और सिंपल यहाँ पर भी अगर आप क्लिक करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। सो इसके बाद अपन लोग क्या करना है, सिंपल इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल टू क्लिक कर दिया मैंने, सिंपल ये लॉक हो गया। उसके बाद मैं करूँगा यहाँ पर जो चीज़ मैंने यहाँ पर समझाई है या बनाई है, जो भी आपने सिखाया वो सिंपल यहाँ पर आपको सबसे पहले एक इमेज लगानी होगी उसकी, ठीक है। सो इमेज लगाने के लिए सिंपल मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा, मैंने एक पहले एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने कार डिज़ाइन बनाया था। सो सिंपल मैंने यहाँ पर इसको उठा लिया है और इसको मैं लेके यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ पर रख दिया मैंने, ठीक है। सो अब यहाँ पर मैंने रख दिया, तो मैं यहाँ पर ना यही वाला थंबनेल बना रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर कर दिया जाए थंबनेल डिज़ाइन में किस तरीके से बनाता हूँ, जो आपको भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा उम्मीद है। सो यहाँ पर ये करने के बाद मैंने सिंपल क्या करा, कुछ इस तरीके से इसको थंबनेल इस डिज़ाइन को भी मैंने रख दिया। अब यहाँ से मैं इसका साइज़ नीचे करूँगा, अगर इसको खींचूँगा तो इसका साइज़ बड़ा होता जाएगा कुछ इस तरीके से, लेकिन अगर आप शिफ्ट के साथ करेंगे ना, शिफ्ट के साथ आसानी के साथ हुआ, ठीक है। तो शिफ्ट के साथ आप यहाँ से इस तरीके से इसका साइज़ भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और अगर ऑल्ट एंड शिफ्ट दोनों के साथ बढ़ाएंगे तो बीच में ही रहेगा, लेकिन आपका साइज़ बड़ा हो जाएगा। सो उम्मीद है अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दिएगा। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरीके से इसको बना लिया है और डिज़ाइन को मैं यहाँ रखना चाहूँ तो यहाँ पर रख सकता हूँ, यहाँ रखना चाहूँ तो यहाँ पर रख सकता हूँ, जहाँ रखना चाहें वहाँ पर आप रख सकते हैं। अब बारी आ जाती है दूसरी कि आप इसके अंदर कैसे
टैक्स दे सकते हैं। ठीक है, टैक्स देने के लिए मैंने सिंपल क्या करा, टैक्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, टैक्स टूल है हमारी टाइप टूल। ठीक है, टाइप टूल पे आप क्लिक करें, यहाँ कहीं पे भी आप क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने कार डिज़ाइन बनाया, तो सिंपल मैं यहाँ पर कार डिज़ाइन लिख सकता हूँ। ठीक है, कार डिज़ाइन भी लिख देता हूँ। ठीक है, सो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना छोटा है ये। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसका साइज़ बड़ा करूँगा। दोबारा से मूव टूल ले लिया मैंने, यहाँ से दोबारा से शिफ्ट के साथ मैंने इसका साइज़ दोबारा से बड़ा कर दिया। जितना आप बड़ा करना चाहें उतना बड़ा आसानी के साथ कर सकते हैं, जो कि मैंने कर दिया। उसके बाद अगर आपको यहाँ पर फाउंट चेंज करना है, तो फाउंट चेंज करने का भी आसान तरीका आपको बताता हूँ। उस पर राइट क्लिक करें, यहाँ पर आपको फाउंट दिख रहे होंगे, यहाँ से जाकर आप कोई भी फाउंट ले सकते हैं जो आपके अंदर आपके कंप्यूटर में अवेलेबल होंगे। सो मैं सिंपल ये वाले फाउंट ज़्यादातर यूज़ करता हूँ, तो मैंने ये ले लिया। एक तरीका और बता देता हूँ आपको फाउंट लगाने का, सिंपल इसको सेलेक्ट करें, कैरेक्टर के अंदर जाएँ, यहाँ पर आपको फाउंट वाला ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ पर क्लिक करके और भी कोई और फाउंट ले सकते हैं। सो उम्मीद है कि आपको दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। उसके बाद अगर आप कुछ और चाह रहे हैं लिखना, तो यहाँ पर आप नीचे कुछ और भी लिख सकते हैं। और लिखने के लिए मैंने सिंपल यहाँ पर लिख देता हूँ एडोब एलिस्ट्रेटर, एडोब एलिस्ट्रेटर, क्योंकि ये हम एडोब एलिस्ट्रेटर पे ही बना रहे हैं डिज़ाइन। सो AI की AI इसकी शॉर्ट फॉर्म है, और वैसे इसको एडोब एलिस्ट्रेटर कहा जाता है। ठीक है, सो ये बनाने के बाद मैंने सिंपल यहाँ पर रख दिया, या फिर कहीं पर भी रखना चाहें वहाँ पर ये दोनों टैक्स रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप चाह रहे हैं कि इसका मैं आइकन भी रखूं, जैसे मैं हर वीडियो के कोई कोई वीडियो के अंदर रखता हूं एडोब एलिस्ट्रेटर का आइकन, सो वो बनाने के लिए सिंपल मैं राइट एंगल टूल पे गया, यहां पर मैंने शिफ्ट के साथ एक राइट एंगल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, करने के बाद ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल होती है, इसको जाकर मैंने थोड़ा सा इस तरीके से राउंड कर दिया। राउंड करने के बाद सिंपल मैंने इसका कलर चेंज करा, कलर आई ड्रॉपर आपको यहाँ पे मिला हुआ। अगर आपको यहाँ से कोई कलर पिक करना है, इसको सिलेक्ट कर लें और यहाँ से आई ड्रॉपर की मदद से क्लिक कर देंगे, ये भी तो वाला कलर इसके अंदर आ जाएगा। समथिंग मुझे ये अभी नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा और कलर वाले पैनल के जाने के बाद यहाँ से कोई अच्छा कलर ले लूँगा। ये जैसे मैंने ले लिया, बट ये थोड़ा सा ग्लोइंग वाला ले लेते हैं, और उसके ग्लोइंग लेने के बाद मैंने सिंपल ये वाला कलर ले लिया येलो। उसके बाद मैं इसके अंदर वो भी लगाना चाहूँगा, क्या कहते हैं, ब्लैक कलर देना चाहूँगा स्ट्रोक के अंदर, तो स्ट्रोक के अंदर ब्लैक कलर दे देते हैं। बल अब ये देखें आप, ब्लैक कलर आपको इतना कम क्यों दिख रहा है, स्ट्रोक है वो कम दिया, तो ज़्यादा देने के लिए आप सिंपल यहाँ पे क्लिक करें, जितना आप देना चाहें उतना दे सकते हैं। ठीक है, ये जैसे हमारा ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक काम और करता हूँ, यहाँ से कलर थोड़ा सा और चेंज करता हूँ। अब यहाँ पर आ जाते हैं, और यहाँ पर आने के बाद यहाँ से आप लोग जो एडजस्ट करना चाहें वो एडजस्ट यहाँ पर कलर भी कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल आसान मेथड है। CMYK यहाँ पर आपको अवेलेबल है, और भी बहुत सारे अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको RGB मिल जाएगा, HSB मिल जाएगा, WebSF RGB मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप हाइड ऑप्शन भी कर सकते हैं, और यहीं से आप शो ऑप्शंस भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर AI लिख दूंगा सिंपल, यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, A और I, अब ये लिख दिया। अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करना चाह रहा हूँ, तो मैं सिंपल यहाँ से वापसी से इसको बड़ा कर दूंगा, और इसके जो लेटर हैं ये छोटे हैं, तो मैं बड़ा करने के लिए सिंपल यहाँ से कैरेक्टर पैनल के अंदर जाके इसको ऑल कैप्स पर क्लिक कर दूंगा, तो ये स्मॉल लेटर लार्ज हो जाएंगे। ठीक है, सो ये मैंने कर दिया, और उसके बाद मैंने इसका साइज़ भी थोड़ा सा चेंज कर दिया। ठीक है, अब मैं बहुत सी वीडियो के अंदर अपना ड्रॉप शेडो अप्लाई करता हूँ, जिसके अंदर पीछे शेडो आ रहा होता है, तो आप वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सो वो भी आपको समझा देता हूँ। सिंपल आप सिलेक्ट करें जिसके ऊपर भी आपको ड्रॉप शेडो देना, उसको सिलेक्ट करने के बाद इफेक्ट करना जाए, यहाँ से स्टाइलाइज करना जाएंगे आप। ठीक है, ये स्टाइलाइज उसके बराबर में आ जाता है ड्रॉप शेडो। ड्रॉप शेडो पर क्लिक करने के बाद यहाँ से सिंपल आप जो अपने पास से यहाँ पर चीज़ें करना चाहें वो आप कर सकते हैं। यहाँ से आप प्रीव्यू देख सकते हैं किस तरह का हमारा ड्रॉप शेडो जा रहा है। सो प्रीव्यू देखने के बाद सिंपल यहाँ से आप ओके कर सकते हैं, या फिर आप कैंसिल कर सकते हैं। जैसे हमारा यहाँ पर ड्रॉप शेडो लग चुका है, अब यहाँ से आप इसकी ओपेसिटी बढ़ा सकते हैं, जितनी बढ़ाना चाहें उतनी बढ़ा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप इसको जो चेंजिंग देना चाहें वो दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप इसका मोड चेंज कर सकते हैं, नॉर्मल मोड बहुत ठीक रहेगा आप सबके लिए, तो नॉर्मल मोड ही रखिएगा। उसके बाद सिंपल यहाँ पर ओके कर दें। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा ड्रॉप शेडो ये अप्लाई हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ड्रॉप शेडो अप्लाई भी करना आपको सिखा दिया है, और वापसी से अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हटिया कंट्रोल जैड हो गया था। सो यहाँ पर मैंने दोबारा से ड्रॉप शेडो अप्लाई कर दिया है, जो कि हो गया है। उसके बाद अगर आप चाह रहे हैं ग्रुप करना, और इन दोनों को अगर आप एक साथ मूव करवाना चाह रहे हैं, तो दोनों को सिलेक्ट करने के लिए आपको दोनों शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करने पड़ेंगे, और फिर आप मूव करवा सकते हैं। सो आई होप आप लोग को ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, और उम्मीद है कि आप यहाँ से थंबनेल अपने आसानी के साथ बना सकते हैं। और बनाने के बाद आप सिंपल क्या करेंगे, यहाँ से आप कुछ भी एडजस्ट करके अपने लिहाज से, ठीक है, अपने लिहाज से आप एडजस्ट करिएगा, क्योंकि मेरा आइडिया बस आपको सिखाना था, जो कि मैंने आपको सिखा दिया है। टैक्स कैसे देना है आपको, आइकन कैसे बनाना है, बैकग्राउंड कैसे लगाना है, और शेप बनाने के लिए यहाँ पर आपको पेन टूल की मदद लेना पड़ेगी। पेन टूल चलाना सीख जाइएगा, और आप जैसे दिल चाहे वैसा आप बना सकते हैं। मतलब इसका बिल्कुल आसान प्रोसेस है, आपने सिंपल सब कुछ बना लिया, और उसके बाद अब आपको सेव करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल यहाँ से फाइल के अंदर जाना पड़ेगा, और जाने के बाद यहाँ से सेव एज भी कर सकते हैं, जिससे आप बाद में भी डिज़ाइन के अंदर छेड़छाड़ी कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद यहाँ पर अगर आपको नहीं करनी, तो सिंपल अगर आपको अभी लगाना है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद नीचे सेव का बटन आ जाएगा। सेव पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सिंपल लोकेशन चेक करके यहाँ पर नाम दे के नीचे सेव पर क्लिक कर देंगे। करने के बाद सिंपल यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, डेस्कटॉप पर ये आ चुका है, और ये बिल्कुल सेम टू सेम आया, जो मैंने बनाया था वही है। आई होप आपको को ये वाली वीडियो बहुत पसंद आई होगी, अगर आई है तो कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी बताएं। आई होप आप लोग को ये वाली वीडियो बहुत पसंद आई होगी, अगर आई है तो कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी बताना, और अभी तक आपने लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना, चैनल पर नया तो यार सब्सक्राइब करो, नीचे राइट कलर का बटन आ रहा है,
वो क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑल पे करो ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास हमेशा पहुंचता रहे। सो बाय द वे, अगर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी कर देना, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।